भारत में अवैध रूप से घुसपैठ कर रहे चीनी नागरिक को सुरक्षा एजेंसी की टीम ने दबोचा है। चीनी नागरिक उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में भारत नेपाल के सोनौली सीमा से पगडंडियों के रास्ते भारत में घुसपैठ कर रहा था। चीनी को बॉर्डर की पिलर संख्या 517/23 से एसएसबी की गश्ती टीम ने दबोचा है। सीमा सुरक्षा बल की गश्ती टीम ने चीनी नागरिक से जब पूछताछ की तो वह चीनी भाषा बोलने लगा। बाद में शक होने पर एसएसबी, पुलिस और खुफिया विभाग की टीम ने उससे लंबी पूछताछ की। पूछताछ में पता चला कि सेनली नामक चीनी नागरिक चीन के हुबेई प्रांत का है। उसके पास से मिला पासपोर्ट तो सही है, लेकिन वह गलत तरीके से भारत में घुसपैठ कर रहा था। कोरोना आपदा के कारण इंडो नेपाल बॉर्डर सील होने के कारण वह पगडंडियों के सहारे भारत में आने की कोशिश में था। पुलिस अधिकारी रोहित सिंह सजवान ने बताया कि चीनी नागरिक के खिलाफ 14 विदेशी विषयक अधिनियम और आईपीसी की धारा 420 के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेजा जाएगा। चीनी नागरिक जो अनाधिकृत तरीके से पगडंडियों के रास्ते भारत में प्रवेश कर रहा था, उसको एसएसबी के द्वारा पकड़ा गया है। पुलिस के द्वारा इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया और चीनी नागरिक को गिरफ्तार किया गया। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है कि जो ये चीनी नागरिक है, इसका नेपाली वीज़ा 4 अगस्त को एक्सपायर हो चुका था और भारतीय वीज़ा वैलिड होने के कारण ये भारत में प्रवेश करना चाह रहा था, लेकिन क्योंकि कोरोना की वजह से जो इमिग्रेशन में विदेशी नागरिकों का अभी आना वर्जित है, इस वजह से ये पगडंडियों के रास्ते भारत में प्रवेश कर रहा था। विजय चौरसिया, जनमत न्यूज़, सोनौली, महाराजगंज।